हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग? आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, बादल एजुकेशन गुरु पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान A&M एडमिशन फॉर्म के बारे में। काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे, बोल रहे थे कि सर जो है राजस्थान में A&M के फॉर्म कब तक रिलीज होंगे, कब तक रिलीज नहीं होंगे, उसके बारे में आप संपूर्ण आपको जानकारी देंगे। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और पहुंचता रहे इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको सटीक इन्फॉर्मेशन, पल पल की खबर। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, आपके जो भी है राजस्थान में जो है आपके A&M के जो फॉर्म आते हैं वो आएंगे, आपके कब आएंगे कब नहीं आएंगे, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको बताएंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, जब भी आप A&M कोर्स करने की सोचते हो या A&M कोर्स आपके जो भी है किसी बड़े बड़े आपसे बड़े ने की हो, जैसे कि मान के चलो जैसे बॉयज़ के लिए तो ये होती नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये गर्ल्स के लिए होती है, ठीक है ना। लेकिन आपके परिवार से किसी भी अगर लड़की ने की है तो वो भी आपसे अगर बात करती होगी A&M कोर्स के बारे में, तो बताती होगी कि हाँ A&M के अंदर अच्छा स्कोप है, A&M एक अच्छा कोर्स है मेडिकल फील्ड के अंदर। तो यहाँ पर बेसिकली अगर बात करें, सबसे पहली बात करें A&M कोर्स के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर इसमें लड़कियों को ही लिया जाता है, ना कि इसमें बॉयज़ को लिया जाता है। पहली बात तो ये है कि इसमें लड़कियाँ पार्टिसिपेट करती हैं और इसमें जो एडमिशन का प्रोसेस रहता है वो रहता है 12th यानी 12वीं कक्षा के जो परसेंटेज रहती है उसके माध्यम से ही यहाँ पर प्रवेश दिया जाता है। दूसरी बात हो गई यहाँ पर 12वीं कक्षा के आधार पर यहाँ पर प्रवेश दिया जाता है। और तीसरी बात अगर करें तो 12वीं में कम से कम आपकी जो है 40% यहाँ पर परसेंटेज होनी ही चाहिए, ठीक है ना, जब आप एलिजिबल होंगे A&M करने के लिए। उसके बाद में बात करते हैं, कोई सी भी आपके पास में सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ हो, या आपके एग्रीकल्चर हो, या आर्ट्स हो, या कॉमर्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको यहाँ पर A&M करने का मौका दिया जाता है। सभी सब्जेक्टों से अगर आप मतलब कोई सी भी आपके पास में सब्जेक्ट हो तो आपको A&M करने का मौका दिया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं कितनी सीटों पर आपको प्रवेश दिया जाएगा। तो यहाँ पर बताएं 1650 सीटों पर आपको यहाँ पर A&M के अंदर प्रवेश दिया जाता है। A&M के अंदर जो सीटें हैं वो है 1650 सीटें हैं आपकी, ठीक है ना। इस तरीके से अगर बात करते हैं राजस्थान के अंदर प्राइवेट कॉलेज तो एक भी नहीं है राजस्थान में, ठीक है ना। INC और RNC यानी राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग से मान्यता प्राप्त एक भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है राजस्थान के अंदर। बाकी आपकी जो है 34 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, A&M की 34 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। हर जिले के अंदर एक एक आपका जो भी है गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसे कि बात करें जयपुर, कोटा, भरतपुर, अलवर, बूंदी, राजसमंद, डूंगरपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, इस तमाम जो भी ज़िले हैं इन सभी ज़िलों में हर एक ज़िले में पार्टिकुलर जो भी है एक एक ज़िले में हर एक ज़िले में एक एक कॉलेज है। और एक केकरी वाला जो ज़िला है, एक अजमेर केकरी का जो ज़िला है मेन, और एक जो अजमेर केकरी है खुद, और एक जो ज़िला है अजमेर खुद, यानी दो हैं वहाँ पर, दो कॉलेज हैं, केकरी में अलग है और एक अजमेर है उसमें अलग है। तो इस तरीके से जो है आपका A&M का जो है सारा का सारा छोटा मोटा जो हमने आपको क्राइटेरिया प्रोसेस है वो बता दिया है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे, बोल रहे थे कि सर नवंबर हो चुका है लेकिन यहाँ पर जो है हमारे फॉर्म है वो फॉर्म कब तक आएंगे कब तक नहीं आएंगे, तो उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा हर बार की तरह जो फॉर्म है वो आपके नवंबर में ही निकलते हैं, और नवंबर की लास्ट वीक में ही आपके जो है संभव हो पाएगा, लास्ट वीक समझ सकते हो आपकी लास्ट वीक यानी 28-27 तारीख तक ही आपके पॉसिबल हो पाएंगे। और 1 सितंबर भी जा सकता है इस बार, क्योंकि आपको पता होगा पिछले बार जो है 2023-24 का जो प्रोसेस है जो थोड़ा लेट हुआ था, लेकिन ज़्यादा इतना लेट नहीं होगा आपका जो है, मान के चलो लास्ट नवंबर और दिसंबर 1st वीक में आपकी जो है एग्ज़ाम फॉरम आ जाएंगे, आपकी एडमिशन फॉरम है वो रिलीज हो जाएंगे। जैसे ही रिलीज होंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, और आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, हम वहाँ पे भी आपका रिप्लाई दे देंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भी कोई क्वारीज हो आपको A&M के रिगार्डिंग, जितनी भी छोटी मोटी बेसिस है वो हमने आपको A&M के बारे में बता दिया है। और A&M के ड्यूरेशन की अगर बात करते हैं तो ड्यूरेशन की जो अवधि रहती है वो अवधि रहती है आपकी 2.5 साल का कोर्स रहता है, वैसे 2 साल का कोर्स रहता है, लेकिन इस 2 साल के अंदर आपका 6 मंथ की जो है इंटर्नशिप भी रहती है, तो 6 मंथ की इंटर्नशिप इसमें आपकी इंक्लूड रहती है। और A&M करने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब है कि आपको यहाँ पर रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं, अनेकों प्रकार के रास्ते खुल जाते हैं आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के। प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी जॉब है इसमें, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफ़ी है। NHM की अगर बात करें, संविदा पर जो भी वैकेंसी आती है और स्टाफ नर्स की भी वैकेंसी आती है वो A&M वाले पार्टिसिपेट कर सकते हैं। CHO हो गया, इन सारी तमाम जो भी वैकेंसीज आती हैं इनमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। उसके बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आपको प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करने का यहाँ पर मौका मिलता है। तो ये तमाम जो भी है सारी की सारी बातें हमने आपको बताई है, वो A&M के रिगार्डिंग काफ़ी अच्छा कोर्स है, आप सभी इंक्लूड
करना है इस कोर्स के अंदर, सभी पार्टिसिपेट करना, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, ताकि आपको भी यहाँ पर कॉलेज मिलने के पूरे पूरे चांस रहें और आपका जो सपना है गवर्नमेंट कॉलेज से करने का वो भी साकार हो। लेकिन हाँ, ध्यान रखें, लड़की हो लड़कियों के लिए ही ये कोर्स है, ना कि बॉयज़ के लिए। बॉयज़ के लिए यहाँ पर ये कोर्स नहीं है, बॉयज़ के लिए GNM होता है, तो GNM में बॉयज़ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। GNM के रिगार्डिंग हम आपको एक और वीडियो बना करके बता देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।